सामाजिक कार्यकर्ता वीके माला ने कोविड-19 के उपचार के दौरान मृतक स्वास्थ्य कर्मियों को शहीद का दर्जा दिलाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम रीवा संभाग कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रीवा जिले में सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट वीके माला ने मुख्यमंत्री के नाम रीवा संभाग कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि कोविड-19 के तहत स्वास्थ्य विभाग में उपचार करते या सेवा देते समय यदि चिकित्सक, नर्स और अन्य अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव होने के दौरान उनकी मृत्यु होती है तो उन्हें सम्मान के रूप में प्रदेश और केंद्र सरकार का सम्मान निधि के रूप में शहीद का दर्जा दिया जाए। समूचे देश के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, चिकित्सक, नर्स और अन्य अधिकारी कर्मचारी की भूमिका इस महामारी में अहम है, क्योंकि जो कोरोना के उपचार के लिए लोग आते हैं उनका उपचार करते करते कई बार चिकित्सक और अन्य स्टाफ प्रभावित हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में कोरोना के मरीज के उपचार के दौरान चिकित्सक भी संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं और इलाज करते करते ठीक नहीं हो पाते। उन्होंने आगे कहा, जिस तरह सीमा सुरक्षा बल हमारे देश की रक्षा में पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार से स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना जनमानस के बचाव और सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं और इलाज करते करते शहीद हो जाते हैं, तो उन्हें शहीद का सम्मान दिया जाना चाहिए और उनके परिवार को प्रदेश सरकार एक सम्मान स्वरूप स्वास्थ्य निधि, एक शासकीय की सेवा कर्मचारी या उनके पुत्र पुत्री को मेडिकल कॉलेज में या अन्य पढ़ाई में निशुल्क पढ़ाई एडमिशन कराया जाए और उनके माता पिता की आजीवन निशुल्क उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। साहब को ज्ञापन सौंपा है, जो डॉक्टर कोरोना मरीजों का उपचार करने के दौरान उनकी मौत होती है उनको शहीद का दर्जा दिलाएंगे, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, मैंने आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित एक ज्ञापन पत्र दिया है। उस ज्ञापन पत्र के माध्यम से मैंने निवेदन किया है कि समूचे मध्य प्रदेश में कार्यरत चिकित्सक, नर्स व अन्य अधिकारियों कर्मचारी जो संक्रमित कोरोना में संक्रमित व्यक्तियों के उपचार कर रहे हैं या उपचार के साथ साथ जिनकी विशेष ड्यूटी लगाई गई है, जैसे वाहन को ले जाते समय या अन्य कार्यों में जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो अधिकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के अलावा भी, तो मैंने अनुरोध किया है कि वो भी संक्रमित हो जाते हैं और संक्रमित होने के बावजूद स्वयं यदि वो डॉक्टर संक्रमित हो जाते हैं, नर्स हो जाती है, वह अन्य अधिकारी कर्मचारी संक्रमित होकर स्वयं प्रभावित होकर वह कच्चे कारणों बस उनका महाप्रयाण हो जाता है, ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्योंकि जिस प्रकार वार्डन में सैनिक, सोल्जर, सिपाही शहीद होने के उपरांत उनको सम्मान निधि के रूप में स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार जो सम्मान निधि देती है और सहायता राशि दी जाती है, उनको एक चिकित्सीय सुविधा उनके माता पिता परिजनों को दी जाती है, उसी प्रकार सम्मान निधि के रूप में, सम्मान के रूप में उन्हें दर्जा दिया जाना चाहिए, शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसलिए कि भयावह महामारी समूचे विश्व में फैली है और इस प्रकार लोगों को उत्साहित करने के लिए कि वास्तव में ऐसे संक्रमित व्यक्ति को सेवा करने के लिए और सेवा में किसी प्रकार पीछे न हटे, इसलिए उन्हें उत्साहित करने के लिए, सम्मान करने के लिए, उनको शहीद का दर्जा दिया जाने के लिए ये हमने माननीय आयुक्त महोदय जी को ज्ञापन, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है और माननीय राज्यपाल जी को पत्र भी प्रेषित कर रहे हैं और इस आशय का अनुरोध कर रहे हैं कि इस पर प्रदेश सरकार विचार करे और आप सबके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि ये दर्जा आप सब दिलवाए जाने के लिए प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएं कि ये बड़ा एक बड़ी मुहिम है, इस मुहिम में हम सबको जुड़ना चाहिए और ये दर्जा दिलाया जाना चाहिए। ऐसी पहल आपके मन में क्यों आई? निश्चित तौर से ये हमारे समूचे हमें लगातार चिकित्सकों की जिस प्रकार घटना देख रहे हैं, जिस प्रकार अन्य अधिकारी कर्मचारियों की लगातार इस प्रकार घटना देख रहे हैं और लगातार ये भी देख रहे हैं कि यदि इससे लोग पीछे भी हट रहे हैं कि जो संक्रमित होते हैं और उनसे सेवा भाव में कुछ कमी हो जाती है या सेवा भाव में थोड़ा सा कमी महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको उत्साहित करने के लिए लोग माता पिता परिवार के जन ये कहते हैं कि आपको क्या जाना है, तो ऐसी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उनको उत्साहित करने के लिए, उनके समाज में एक अच्छे वातावरण पैदा करने के लिए मेरे मन में भावना ही और सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवी होने के नाते, समाज सेवी का विचारधारा रखने के नाते मेरा भी कर्तव्य है कि ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार और सकारात्मक सोच हम समाज में लाएं और इसके लिए प्रयास करें। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे
HBN News।